नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। भारत में कोरोना वायरस की जिस तरह से संख्या बढ़ती जा रही है, कोरोना वायरस की जो मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वह बहुत ही डरावने वाली है। भारत में जो कोरोना वायरस ऑन रिकॉर्ड है, वो 3,80,000 के नए केस डेली के आ रहे हैं। यह केस धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। कल की बात करें तो 3,62,000 के करीबन केस आए थे, लेकिन अब शायद हो सकता है आगे जाके ये 5,00,000 के करीबन केस भी हो सकते हैं। मरने वालों की बात करें तो करीबन 4,000 के करीबन ये नए केस आ रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस से इतना बुरा हाल है कि शमशान भूमि में मरने वालों को भी जलाने की जगह नहीं मिल पा रही है। लोगों को सड़कों पर जलाया जा रहा है। कई जगह पर तो गुजरात के सूरत में तो लोहा भी पिघलने लगा है। ऐसे में अगर मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो शायद ये 3,80,000 के जो केस हैं, शायद ये 10,00,000 के करीबन भी हो सकते हैं। लेकिन भारत सरकार इसको पूरा सही तरीके से क्यों नहीं दिखा रही है, इसके ऊपर एक चर्चा बन सकती है। शायद इसलिए क्योंकि वो लोगों को डराना नहीं चाहते, या लोगों को वह सही रिकॉर्ड दिखा के उनका कोई भी रीज़न हो सकता है। बात करते हैं, भारत सरकार ने जो 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाने की जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया दी है, वो किस तरह की है। इसमें 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने 3 तरीके निकाले हैं। सबसे पहला है, आप cowin.gov.in वेबसाइट पर जाएं, वहां आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उमंग ऐप से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपना नंबर वेरीफाई करना होता है। उसके लिए आप अपना नंबर फिल करेंगे, आपके पास में एक OTP आता है। OTP के बाद में आपको अपना वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के बाद में अपना आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपना नाम, फोटो, अपनी आइडेंटिफाई ID और आपकी जो भी बेसिक डिटेल है वो आपको फिल करनी होती है। उसके बाद में आपको वहाँ पे अपनी बीमारी वगैरह भी लिखनी होती है कि आपको कोई बीमारी वगैरह पहले से तो नहीं थी, वो सब आपको अपनी फिल करनी होती है। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बीमारी को पहले देख लिया जा रहा है, वहाँ पे फिल करवा लिया जा रहा है, जिससे कि आपको कोई साइड इफेक्ट ना पड़े। उसके बाद में आपको एक बुक बटन आता है, आप अपने रजिस्ट्रेशन को बुक कर देते हैं। वहाँ पे आपको एक अपॉइंटमेंट डेट मिल जाती है जहाँ आप अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। यही प्रोसेस आपके आरोग्य सेतु ऐप में या आप बाकी ऐप के द्वारा भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो वैक्सीन लगवाई जा रही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन भारत सरकार में लगाने के लिए दी हुई है। जो कोविशील्ड वैक्सीन है, ये सरकारी हॉस्पिटल में 400 रुपये की समथिंग दी हुई है और निजी हॉस्पिटल में ये करीबन 600 रुपये की है। कोवैक्सीन है, वो सरकारी हॉस्पिटल में 600 रुपये की और निजी हॉस्पिटल में 1200 रुपये की दी हुई है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो शायद ये हो सकता है कि ये वैक्सीन जो आपको दुगने या तिगने रेट पे आपको मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि जो अक्सर हमने लोग सुना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद में लोगों की मौत हो जाती है, ये कोई ऑन रिकॉर्ड की बात नहीं है। इस पर कोई ऐसी कोई चर्चा या कोई बड़ा मुद्दा नहीं उठा है, लेकिन हमने अक्सर लोगों से सुना है। हम अक्सर आप लोग भी देखते होंगे कि लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और वो 3 से 4 दिन के अंदर मौत हो जाती है। तो इसका रीज़न क्या है? जो वैक्सीन लगवाई जा रही है वो कोविशील्ड, जिसको हम एस्ट्राजेनिक वैक्सीन भी कहते हैं, और आपको कोवैक्सीन लगाई जा रही है। जो इसमें साइड इफ़ेक्ट करती है, कोविशील्ड नाम की वैक्सीन है, वो साइड इफ़ेक्ट करती है और ये करीबन 100 से ज़्यादा देशों में लगाई जा रही है। काफ़ी देशों ने तो इस पर बैन भी लगा दिया है। ये जो ब्लड क्लॉटिंग करती है, जिससे कि आपका रक्त प्रवाह होता है वह रुक जाता है, जिससे आपको ब्रेन हेमरेज या आपको कोई भी साइड इफेक्ट इस वैक्सीन के द्वारा हो सकता है, जिसकी वजह से लोगों की मौत हो जाती है। जो वैक्सीन लगवाई जाती है उससे आपको ये देखा जाता है कि आपको कोई साइड इफेक्ट या आपको पहले से कोई बीमारी तो नहीं थी, जिससे कि आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो। लेकिन भारत सरकार ने इसे कोई भी ऑन रिकॉर्ड नहीं किया है कि इस वैक्सीन की वजह से आपको कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। वैसे और काफ़ी देशों ने इस वैक्सीन पर रोक भी लगा रखी है और इस पर काफ़ी बैन भी लगा रखे हैं। फाइजर नाम की वैक्सीन भारत में आ चुकी है। फाइजर नाम की वैक्सीन काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई है और भारत के सरकारी हॉस्पिटल में भी ये आ चुकी है। ये जल्दी ही लोगों में लागू हो जाएगी, लोगों के बीच में आने लग जाएगी। बात करते हैं कि हमने अक्सर सुना है कि एक ऐसी वैक्सीन कोरोना वायरस के मरीजों को लगाई जा रही है जिसका रेट करीबन 50,000 से 80,000 या 1,00,000 के करीबन है। ये कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो इतनी महंगी है, जो लोगों में इतनी ज़्यादा प्रॉपुलर और इतनी ज़्यादा महंगी हो रही है?
ये नाम की जो ड्रग्स है, ये एक जिसका नाम है रेमडेसिविर नाम का, ये एक ड्रग्स है जो जिसके एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 2500 के करीबन है, लेकिन इसको जो मार्केट में बेचा जा रहा है, ब्लैक मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं, वो करीबन 50,000 या 80,000 या 1,00,000 के करीबन बेचा जा रहा है। लेकिन कुछ औद्योगिक संस्थानों ने बताया है कि जो ये ड्रग्स है ये कोरोना वायरस के मरीजों पर सही तरीके से वर्क नहीं कर पाती है। कुछ उन्होंने कहा है कि ये सही तरह से है, इस पर कोई भी एक्चुअल नहीं है कि ये पूरा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। भारत में ब्लैक मार्केटिंग की बात करें तो ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय। जैसे हालात हैं इस समय, जैसे लोगों की कंडीशन हो रही है, जितने लोग मर रहे हैं, जितने कोरोना वायरस के मरीज आ रहे हैं, ऐसे में जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है बहुत ही बेकार है। ये ब्लैक मार्केटिंग होती कैसे है? जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो आपके मेडिकल शॉप पर लोगों को देते हैं वैक्सीन वगैरह या जो दवाई वगैरह देते हैं, इसको जो दुकान शॉपकीपर होता है वो ऐसे लोगों को दे देते हैं जो इसकी ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। ब्लैक मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत ही बेकार एक काम है। ऐसे में लोगों को खुद सोचना चाहिए, जो उनको पैसा मिल रहा है, क्या उनकी लाइफ में लोगों के मरीज जो बीमार हो रहे हैं या लोग मर रहे हैं, क्या वो पैसा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अब बात करते हैं कि भारत में इतने ज़्यादा कोरोना वायरस की जो मरीज आ रहे हैं उस पर रोकथाम किस तरह की होगी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जिस तरह का असंतुलित वाल मचा हुआ है, लॉकडाउन लगने के बाद में भी लोग बाहर निकल रहे हैं, भीड़ हो रही है, पुलिस वाले भी इसमें इतने लापरवाह दिखा रहे हैं कि जिसका कोई हम कह नहीं सकते हैं। हमारे पास में भी कुछ वीडियोस आई हैं, हम आपको आगे जल्दी दिखाएंगे कि किस तरह से दिल्ली में भी लॉकडाउन में लोग बाहर निकल के कितना लापरवाह हो रहे हैं और पुलिस वाले इस पर पूरी तरीके से उसका सहयोग कर रहे हैं। आपकी क्या सलाह है इस लॉकडाउन पे? आपकी क्या सलाह है वैक्सीन पे? आपकी क्या सलाह है लोगों के बीच में कोरोना वायरस फैलने की? आपकी क्या सलाह है भारत सरकार के रिकॉर्ड की, जो ऑन रिकॉर्ड में जो 3,80,000 के केस आ रहे हैं, क्या वह सही है या गलत है? नमस्कार।